हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज मैं ट्रैफिक राइडर गेम को खेलने वाला हूँ और इसमें लास्ट में बहुत से अभी लेवल जो हैं वो पार करने हैं, और एक लास्ट में ऐसा भी चैलेंज है जिसे हमें कंप्लीट करना है, और इसे हमने कुछ और ही ज़्यादा टफ बना दिया। अभी लास्ट में बताऊंगा, लेकिन मैं पहले इस बाइक की बात कर लेता हूँ। ये बाइक हमारी ऑरा नाम की बाइक है और ये मैक्स लेवल पर हमने अपग्रेडेबल कर दी है। इसका कलर, ब्रेक, हैंडल सारा कुछ हमने अपग्रेड कर दिए हैं, इसे फुल मैक्स पर कर दिया है। इससे भी एक मैक्स लेवल पर दूसरी बाइक आती है, लेकिन मुझे उसका कलर और उसका डिज़ाइन भाई इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे इसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी लगती है। वैसे तो ये ब्लैक कलर में थी, लेकिन मैंने इसका कलर चेंज करके इसको वाइट कर दिया है। और शुरू करते हैं पहले अपनी स्टेज। अगर हमने ये टाइम पे ख़त्म कर दी तो आपको एक गोल्ड मिलेगा, और इसके लिए तो भाई मुझे लगता है कि बहुत इजी है। तो मैं पार करता हूँ यहाँ पे पहली स्टेज अपनी, और यहाँ पे लिख के आ चुका है रिच फिनिशिंग टाइम। हमें आप टाइम पे पहुँचना है भाई, लेकिन ये बाइक तो धुमाई कर देगी, इसकी तो फुल स्पीड भी नहीं हो पाई। और यहाँ पे अपना पहला लेवल पार होता हुआ, बहुत ईजी था इस वाली बाइक के लिए। आप कमेंट में बताओ आपको इस गेम में सबसे ज़्यादा कौन सी अच्छी बाइक लगती है। और दूसरा भी मिशन है वो जो भी हम लोगों को फिनिश इन टाइम पे करना है, और यहाँ पे स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, और यहाँ पे कर रहे हैं इसको पार। और इसकी जो मुझे लोकेशन, इसकी जो आवाज़ मुझे इतनी प्रीमियम लगती है, बहुत ज़्यादा। अगर आप हेडफोन्स का यूज़ करके इस गेम को खेलोगे, और जब आपको ये गेम अच्छा लगेगा, जब आप इसे चलाओगे ना, तो आपको जो आवाज़ आएगी उससे इतनी प्रीमियम क्वालिटी आती है, वो बहुत मस्त गेम लगने वाला है इसमें। लेकिन मुझे एक चीज़ की इस गेम में कमी लगी है, वो है इसका कैमरा व्यू। अगर हमें आप इस गेम में फुल अपनी बाइक देखने को मिल जाती है तो काफ़ी अच्छा लगता, लेकिन इसमें यहीं पर है, तब भी ठीक ठाक है। मैं 95% इसे बहुत अच्छा बताता हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है ये वाला गेम। और यहाँ पर रात हो चुकी है और हमें रिच फिनिश इन टाइम पे पहुंचना है, मतलब हमें टाइम पे पार करनी है ये। और इस वाली बाइक के लिए ये सारे जितने भी लेवल हैं ये बहुत आसान हो जाते हैं, लेकिन जो लास्ट में भाई ओवर अटैक का आता है ना चैलेंज, तो वो बहुत टफ हो जाता है। तो मैं बताने वाला हूँ कि हम लोगों ने कैसे करके उस वाले चैलेंज को और हार्ड बना दिया है। देखो, हमें 20 कार को ओवर अटैक करना है, वो भी 65 सेकेंड में। ये तो हमारे गेम का रूल है, लेकिन हमने और इसको टफ करने के लिए क्या करा है, हम इसका गोल्ड का यूज़ नहीं करेंगे, और एक भी बार हमें क्रैश नहीं होना है। आपको क्या लगता है, क्या मैं कर पाऊँगा ये, या हो पाएगा मुझसे? देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक, और जब तक हमें ओवर अटैक कार को 40 सेकेंड करना है, 40 सेकेंड में करना है ओवर अटैक 8 कार को, तो हम यहाँ पे पहला रेडी कर देते हैं। लेकिन भाई ये बहुत टफ़ हो जाता है भाई, ओवर अटैक करना बहुत मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि अगर आप कने से भी निकालोगे ना तो इतना टफ लगने लगता है, ऐसा लगता है कि बस अब तो ठुकी है गाड़ी, क्योंकि पास से निकालना होती है, और ज़रा सी भी अगर हिली चुली तो यहाँ से चली जाएगी ये। और टाइम का भी ध्यान रखना है, अगर आपको ज़्यादा ब्रेक मारने हैं तो आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा और उसे आप नहीं पार कर पाओगे। और यहाँ पर एक बची और 4 सेकंड बचे हैं, तो फाइनली ये वाली भी हो गई, मुझे लगा था नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं शुरू से लेके अभी तक एक बार भी क्रैश नहीं होऊंगा, ये हमारा चैलेंज है। और 20 कार में तो बिल्कुल भी नहीं, एक बार भी नहीं होना है। वैसे मैंने बहुत प्रैक्टिस की है जाके, तब जाके ये वाला मुझे हैंडल हो पाया थोड़ा, और थोड़ी सी मैंने इसकी सेंसिटिविटी भी लो या कम कर दी है, तो जाके ये थोड़ा सा अच्छे से हो पा रहा है। और यहाँ पर ओवर अटैक 15 कार को करना है भाई, वो भी थोड़े से शायद 55 सेकंड में, मैंने ध्यान नहीं देता। और यहाँ पे धीरे धीरे मैं थोड़ा कंट्रोल करता हूँ गाड़ी, और इसमें ओवर अटैक तभी माना जाएगा जब आपकी बाइक 100 से ऊपर होगी या 100 पे होगी। अगर आपकी 98 की स्पीड दे रही बाइक, तो आपका ओवर अटैक अगर आप कर भी रहे हो तब भी नहीं माना जाएगा। और यहाँ पे 9 बचे हुए हैं, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिला हिला के फ़ोन को एकदम ऐसे कर रहा था, तब जाके ये हो पा रहा था। और यहाँ पे इतने सारे आ गए, और भाई एक बार हम लोगों को ये भी बात को ध्यान रखना है कि क्रैश नहीं होना है, ना ही गोल्ड का यूज़ करना है। इस गेम में अगर आप गोल्ड का यूज़ करते हो तो आपको 15 सेकंड का टाइम ज़्यादा मिल जाता है, जिससे आप आसान तरीके से वो पार कर सकते हो। और यहाँ पे एक बचा हुआ है, तो यहाँ से पार कर दिया, और उस गोल्ड को हमें यूज़ नहीं करना है। अगर आप यूज़ करते हो तो आपको टाइम मिल जाता है, और आप अगर लास्ट टाइम पे थोड़ा टाइम कम होता है तो आप गोल्ड का यूज़ करके उस लेवल को पार कर सकते हो। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ना ही गोल्ड का यूज़ करना है, ना ही क्रैश होना है, बस पार करे जाना है। राइड 2 किलोमीटर इन 50 सेकेंड्स, हमें 2 किलोमीटर जाना है बस 50 सेकेंड में।
क्या आप जा सकते हो रियल लाइफ में, कमेंट करके मुझे ये भी ज़रूर बताना। तब तक के लिए मैं ये वाली पार कर देने की कोशिश करता हूँ। ये तो मुझे बहुत ईजी लगती है क्योंकि इस बाइक की जो स्पीड है वो मैक्स लेवल पे है। हम लोगों ने इसके ब्रेक हैंडल वगैरह सभी कुछ कर दिए। यहाँ पे हमें एक फ़ीचर मिला है जंप कराने का बाइक को, और एक गोल्ड भी मिला है क्योंकि हम टाइम से पहले पहुँचे हैं। 4 किलोमीटर 90 सेकंड में जाना है, ये भी काफ़ी आसान लगता है मुझे। मुझे ये सारे लेवल इतने टफ नहीं लगे जितना मुझे वो वाला इतना हार्ड लेवल लगता है भाई, बहुत ज़्यादा। वैसे तो मुझे इतना हार्ड नहीं लगता कि अगर 20 ओवरटेक करने हैं 65 सेकंड में, आप गोल्ड का यूज़ कर सकते हो, क्रैश भी हो सकते हो। चलो क्रैश हुए फिर से आपने स्टार्ट कर लिया, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अपने लोगों को गोल्ड का यूज़ नहीं करना है और क्रैश तो बिल्कुल नहीं होना है। अभी मैंने आपको यहाँ पे अपना स्टैंड दिखाया पहला। वैसे मैं स्टैंड नहीं हूँ, स्टैंड करता नहीं हूँ, मुझे डर लगता है। और लेकिन काफ़ी अच्छा है, लेकिन जब आप अगर आप स्टैंड करते हो तो आगे का कुछ दिखता नहीं है। अगर आप कोई दूसरी बाइक यूज़ करते हो वहाँ पे इस गेम में राइड करते हो तो आपको आगे का बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। इसमें थोड़ा आपका जो आगे का पार्ट है वो नहीं है, थोड़ा कम सा है, तो आगे का आपको दिखता है जब आप जंप कराते हो गाड़ी को। और एकदम अगर आप जंप कराते हो गाड़ी को तो वो तिरछी हो जाती है, क्योंकि मैं जायरो से खेल रहा हूँ जायरो से, और जायरो से ही चल रही है। सेटिंग में शायद ऑप्शन होगा इसका बटन्स का या हैंडल्स का। और यहाँ पे ये वाला हमें पार करना है बहुत जल्दी से। इसी बात का तो अपने लोगों को फ़ायदा होता है कि यार अगर आप मैक्स लेवल पे वाली बाइक ले लेते हो और उसमें शुरू से लेवल पार करते हो तो बहुत इजी हो जाता है, बहुत ही इजी। और ये जो बाइक है ये मेरी सबसे फेवरेट बाइक है, और इसमें जो कलर है वो वाइट मुझे बहुत बढ़िया लगता है। वैसे रेड भी मुझे अच्छा लगता है। मैं अभी कंफ्यूजन में हूँ कि पता नहीं क्यों, जैसे मुझे वाइट है और रेड है, इन दोनों में से कौन सा लगाऊँ मैं। तो मुझे वाइट ही ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने वाइट लगा दिया। आपको कौन सा अच्छा लगता है रेड और वाइट में से, बताना ज़रूर। और जब तक के लिए हम ये जो लेवल हैं ये सारे के सारे अपने पार कर देंगे, और लास्ट में बस एक ओवर अटैक वाला चैलेंज है, वो कास्ट सही से हो जाए और वो पता नहीं होगा कि नहीं, अभी ट्राई करते हैं। यहाँ पे इतने आप ये मत सोचो कि मैं इस गेम को खेल रहा हूँ और ब्रेक नहीं मारूँगा भाई। ट्रैफिक इतना होता है, कभी कभी बाइक अपनी कार आगे आके रुक जाती है कि आपको ब्रेक मारना ही होंगे। अगर आप ब्रेक नहीं मारते हो तो आपकी कार क्रैश हो जाएगी, आपका वो सॉरी अगर आप ब्रेक नहीं मारते हो तो आपकी बाइक क्रैश हो जाएगी। लेकिन हम लोगों को ब्रेक थोड़े मोड़े यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग स्पीड खोल ही जाते हैं क्योंकि हम प्रो राइडर बनने की कोशिश करते हैं अपने आप में। और शायद बहुत से ऐसे बंदे हैं जो यही करते हैं। और यहाँ पे ये थोड़ा लंबा सफ़र हो गया लगता है मुझे, क्योंकि 5-6 झंडी आ चुकी हैं यहाँ पे, और लास्ट में एक वाइड वाली झंडी है तो वहाँ तक हमें पहुँचना है। ऊपर हमें मीटर जैसा कुछ दिखा दिया जाता है कि हाँ तुम यहाँ पे हो और यहाँ तक पहुँचना है तुम्हें, तो कंप्लीट करते हैं ये भी। ओ भाई यहाँ पे बस ऐसा लगा कि अभी बच गया बस 2 मिनट, और यहाँ पे थोड़ा जंप भी कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ से निकाल भी दिया और निकल भी गई है बाइक हमारी, और यहाँ से भी हटा लेते हैं इसको, बचा लेते हैं। और मैक्स लेवल पे जब आपकी स्पीड होती है तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। और फाइनली हमारी यहाँ पे बाइक पहुँच गई है, मिशन कंप्लीट हो गया है हमारा। 2000 एडवांस डॉलर मिले हैं, 2 गोल्ड मिले हैं, और इस गेम का नाम फिर से देख लो एक बार, ट्रैफिक राइडर। अब मिशन 12 पे आ गए हैं, और इसके बाद 13-14 जितने भी मिशन होंगे वो सारे कंप्लीट करेंगे जितने हो सकते हैं। जैसे मैं क्रैश हो जाऊँगा वैसे ही इस वीडियो का एंड करवा दूँगा। आप देखना कि मैं इतना ज़्यादा, वैसे मैं बहुत अच्छा खेल लेता हूँ, मैं इतना भी अच्छा नहीं खेल लेता हूँ कि मैं हाँ प्रो ही हूँ, लेकिन सही खेल लेता हूँ थोड़ा। ये प्रैक्टिस के ऊपर है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, अगर आपको सेंसिटिविटी अपनी हाई लगती है तो लो कर सकते हो, अगर लो ज़्यादा लगती है तो आप हाई कर सकते हो। अगर जिस भी सेटिंग में सेंसिटिविटी में आप खेल सकते हो उसमें खेलो और इस गेम को एंजॉय करो। वैसे आपको पूरी बहुत तगड़ी वाली फील देने वाला है ये गेम, क्योंकि ये गेम बहुत ही ज़्यादा तगड़ी परफॉर्म करता है अपनी बाइक राइडर में।
और काफ़ी अच्छी फील आती है मुझे। बिल्कुल एक चीज़ की भी कमी नहीं लगी है इसमें, कि इसमें काश ये नहीं है, वो नहीं है। और इसकी आवाज़, इसकी जो डिज़ाइन, इसकी जो सारी बाइक्स हैं उनकी जो डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी प्रीमियम लगती है। और सबसे ज़्यादा इस बाइक की प्रीमियम लगती है जिस बाइक से मैं अभी राइड कर रहा हूँ। इस बाइक का नाम ऑरा है, ऑरा भी काफ़ी अच्छी बाइक है और इसका नाम भी तगड़ा है, ऑरा। और यहाँ पे अपनी हम सफ़ेद झंडी पे पहुँचने वाले हैं, थोड़े टाइम में पहुँच जाएंगे। बस यहाँ पे हो गया और 50 सेकंड हमारे बज भी गए थे। अब इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट लेवल, अब उसमें देखते हैं क्या होता है। आपको 4 किलोमीटर 75 सेकंड में कंप्लीट करना है। अगर आप 20 सेकंड पहले पहुँचते हो तो आपको 2 गोल्ड मिलते हैं। और यहाँ पे नाइट व्यू आ गया है। नाइट में आपको बाइक चलाना कैसा लगता है? राइड चार, राइड 4 किलोमीटर 75 सेकंड। और यहाँ पे टाइम स्टार्ट, इसको करते हैं फिर से हम लोग। बाइक को तो मैं बिल्कुल फुली मैक्स लेवल पे चलाऊंगा और फुल इसकी रेस कर दूंगा, एक भी कम नहीं होगी। और जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे तो ब्रेक लेना ही पड़ेगा तो वहाँ पे ले लूँगा मैं ब्रेक, और बाकी तो नहीं लूँगा। और उसके बाद यहाँ से मैं बचा लूँ पहले से, 2 ट्रकों के बीच से यहाँ पे भाई साहब ने डिपर मारा कि यहाँ पे मैं मुड़ूंगा जब तक मैंने निकल गया भाई। अब इसमें मेरी क्या गलती है, यहाँ पे एक बाइक ऑफर आएगी, ये वाली बाइक ले लो। लेकिन वो चिंदी बाइक थी, इस वाली बाइक के मुकाबले बहुत वो मैक्स नहीं थी। अब यहाँ पे हमारा फाइनली जो चैलेंज है वो आ चुका है, 20 कार को ओवर अटैक करना है अपने 65 सेकंड में बिना गोल्ड लिए और एक बार भी क्रैश नहीं हुए। तो देखते हो भाई, यहाँ पे तो लगा था बस जा नहीं पा रहा हूँ मैं, लेकिन बच गया। और यहाँ जो सामने से बाइक आती हैं वो मुझे काफ़ी डरा देती हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं सोचता हूँ कि पहले से निकाल लूँ थोड़ा थोड़ा करके। और इतनी तेज़ भी मैं नहीं चलाऊँगा क्योंकि इसमें अभी 13 रह गई हैं और उसके बाद 31 सेकंड बचे हुए हैं अपने। मैं आपको ट्रिक बता दूँ जिससे आप थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए बाइक के ओवर अटैक करना बाइक से। जब मतलब आप स्पीड को थोड़ा इंक्रीज़ करो, मतलब 100 से ऊपर रखने दो, और जैसे कोई अगर आप कार आती है तो उसके पास आके हल्के से ब्रेक मार के आप कंट्रोल करके गाड़ी, और फिर उसके कने से निकाल लो ओवरटेक, आपका कम्प्लीटली बहुत अच्छे से हो जाएगा और ईजी हो जाएगा। इसी तरह से मैंने भी ये किया है, और लेकिन हार्ड बहुत था। वैसे आप अगर करते हो तो इतना हार्ड लगता है, बहुत ऐसे हार्ड नहीं लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यार मेरी पहली वीडियो है ये, पता नहीं आपको अच्छी लगी या नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश की है इस वीडियो को अच्छा बनाने की, तो प्लीज़ लाइक जरूर।